बिल्कुल देखिए, व्हेन देयर आर सम पोजीशंस व्हिच आर वेरी स्पेशलाइज, जैसे कि स्लिप है, स्लिप है, जो शॉर्ट लेग है और जो स्लिप पॉइंट है, ये स्पेशलाइज पोजीशन है। हर कोई फील्डिंग वहां पे नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ जो भी स्पेशलाइज फील्डिंग, हमें आउटफील्ड में बास प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं, बास प्लेयर आउटफील्ड में अच्छे नहीं होते, क्योंकि मेरे सामने फील्डर, जो फील्डर वो नंबर वन फील्डर वही है जो हर जगह पे फील्डिंग कर सके और विथ सेम इंटेंसिटी, सेम एलैक्रिटी। अगर तो मैं वही फील्डर को मानता हूँ कि वो बेस्ट फील्डर है, क्योंकि देखिए स्पेशलाइज पोजीशन में तो कोई भी हमें उसके खाली वही प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अगर आपको हर पोजीशन में प्रैक्टिस करना है तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैटिंग करना, फील्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है और डिफरेंट तरह से कैचेस लेनी पड़ती है, जैसा निखिल ने कहा कि आपको हर एंगल से जाके थ्रो करनी पड़ती है, तो इतना आसान काम नहीं है। देखिए फील्डिंग अगर आप एंजॉय करते हैं तो ही आप अच्छे फील्डर बन सकते हैं, अगर इफ यू डोंट एंजॉय फील्डिंग यू कैन नेवर बिकम गुड फील्डर। उसमें आपका टेम्परमेंट अच्छा होना पड़ता है और आपका मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट भी अच्छा होना पड़ता है। अगर थोड़ा अगर आप देखें तो मोस्टली आप जो अच्छे आउटस्टैंडिंग फील्डर्स होते हैं वो वेरी वेरी फिट होते हैं एंड वेरी एजाइल होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट।